अभी तक शिक्षा मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी है। ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम बोलने नहीं देंगे। इनको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी, सदन से माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। किस प्रकार के बयान दे रहे रोजाना, एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, किस प्रकार से दूसरे समाज के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आप निर्देश दीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए कि ये जनता के हित की बात करे, न कि आपस में एक दूसरे समाज पर छींटाकशी करे। ये आजकल ऐसा लग रहा है कि विद्यालय कर्मोन्नत के मापदंड क्या क्या है वो बताए। अन्य अपनी सीट मत छोड़िए, आपको भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री का बयान आया है, उससे पिछले रोज भी मंत्री का बयान आया है। 14 मुकदमे इनके दर्ज हैं और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे है जो हमेशा दूसरों के लिए अवसर दूर करता है, दूसरे लोगों की कोई हैसियत नहीं समझता है, जो मर्जी जो बोले वो बोलता है, शब्दों पर जिसका कंट्रोल नहीं है और वो इस देश के भविष्य का क्या ध्यान रखेंगे, क्या राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे। जिनका विजन आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में एक दो लाइन जिनकी शिक्षा पे नहीं आई हो, दो लाइन जो शिक्षा पे नहीं बोले हो, दो लाइन जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले हो, और इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी इसलिए केवल 9 है, और इसी प्रकार से देवकी में छात्रों की संख्या 11 और छात्राओं की संख्या 18 है, इसलिए केवल माननीय अध्यक्ष जी बागुंडा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। राजस्थान के जो नौनी हाल जो बच्चे हैं, श्री हरी सिंह रावत, अरे अभी हो गया भैया, प्रश्न संख्या 91। माननीय मंत्री जी,